انهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبك يا حبيب الله इज्जत और इत्तेहाम के लायक नमाजी भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाताबाद मर्तबा शुक्र के जिसकी तौफीक से दरस कुरान की इन बाबरकत घड़ियों में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मरते दम तक अपनी इस्लाह किताब के साथ तालीम और तबलीग की यह नस्बत जोड़े रखने की तौफीक अता फरमाए। दरस कुरान का जो तसलसल पूरे साल से जारी है, अल्लाह के फजल से सूरह बकरा, सूरह अल इमरान और उसके बाद सूरह निसा, उसकी आयत नंबर 60 और 61 दो आयात का मफहूम आपके पेश गुजार किया जाएगा। इन दोनों आयात में बात हो रही है मदीना में रहने वाले मुनाफिकों की। सूरह बकरा के शुरू में मैंने मुनाफिक लोगों की दो किस्में बताई थी, वो फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि ये मसला समझते हुए आसानी रहे। मुनाफिक दो तरह का होता है। एक मुनाफिक वो होता है कि जो अकीदे में मुनाफिकत करता है, यानी वो बातें, वो चीज़ें, वो बुनियादी असूल और कानून कि जो शरीयत मुतहरा ने हर कलमा पढ़ने वाले के लिए लाजिम करार दिए हैं, अल्लाह के साथ सही ईमान लाना, रसूल के साथ सही ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, आखरत पर वगैरह वगैरह, अगर कोई शख्स जुबान से उन चीज़ों पे ईमान लाता है और अपने दिल में अल्लाह रसूल आखरत किताबें फरिश्ते इनके बारे में कोई दूसरी गलत सोच और नज़रिया रखता है तो इसको अकीदे का मुनाफिक कहते हैं। तो अकीदे में मुनाफिकत ये भी ख़तरनाक है, इसलिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जो भी अकीदे का मुनाफिक होता है उसकी इबादत भी काबिल कबूल नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ज़ुबान से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार करे, लेकिन दिल से अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम ना करे, जुबान से पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकिन दिल से ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा का कदरदान ना हो, दिल से रसूलुल्लाह की अजमत का कायल ना हो, दिल से हुज़ूर की मोहब्बत का कायल ना हो, तो फिर वो अकीदे में मुनाफिकत कहलाएगी। अकीदे में मुनाफिकत ये भी ख़तरनाक है, और दूसरी है अमल में मुनाफिकत, कि कोई बंदा अमल में मुनाफिकत करे, जिसकी तीन चार अलामतें हजूर ने हदीस में बयान कर दी हैं कि मन कुन नफी है सलासो फिसाद फरमा मुनाफिक, कि जिसमें तीन आदतें होंगी वो मुनाफिक होगा। उसमें हजूर ने फरमाया इज़ा हाता सक्का साबा, जब बात करे तो झूठ बोले, इज़ा उतु मिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, इज़ा खासमा फाजारा, जब झगड़ा करे तो गालियाँ दे। इन ये तीन अलामतें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक के बारे में कि जो अमल में मुनाफिकत। अब यहाँ पर जो बात हो रही है ये उन मुनाफिकों की है जो अकीदे में मुनाफिकत करते थे, जुबान से हजूर का नाम भी लेते थे, कलमा भी पढ़ते थे, लेकिन दिल से हजूर की अजमत को तस्लीम नहीं करते थे। उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा इल्लज़ीना यज़ुमूना अन्नहुम आमनू बिमा अंज़ला इलैका वमा अंज़ला मिन क़ब्लिक, ऐ महबूब आपने उन लोगों को देखा नहीं कि जो बात तो ये करते हैं, गुमान ये करते हैं, अन्नहुम आमनू कि वो ईमान लाए, आप पर नाजिल होने वाली किताब पर भी और जो आपसे पहले नाजिल हुई उन पर भी, ये कहते हैं समझते हैं, लेकिन उनका तर्ज अमल क्या है, युरीदुना अन यतहाकमू इला तागूत, कहते ये हैं कि हम आप पे नाजिल होने वाली किताब पर ईमान लाएं, लेकिन करते ये हैं
कि अयत हाकम इलताहू, जब हुक्म लगाने की बात आती है, फैसला करने की बात आती है, किसी मामले में कोई क्लियर बात लेने की बात आती है, ये ना आपकी तरफ आते हैं, ना ये कुरान की तरफ आते हैं, ना ये दीन की तरफ आते हैं। अयत हाकम इलताहू, ये शैतानों से जाके फैसला करवाते हैं। अब यहां पर ये जो ताहूत का लफ्ज है, इसका शान नजूल ये है, ताकि बात और क्लियर हो जाए। हुआ इस तरह कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक मुनाफिक और एक यहूदी अपना फैसला लेकर आए। इन दोनों का आपस में तनाजा था, झगड़ा था। यहूदी ने कहा कि हम तुम्हारे नबी की बारगाह में जाते हैं और अबुल कासिम हमारे दरमियान फैसला कर देंगे। ये मुनाफिक ये चाहता था कि हमारा फैसला अल्लाह का नबी न करे बल्कि काब बिन अशरफ, जो उस वक्त मुनाफिकीन के सरदार के तौर पर जाने जाते थे। मुनाफिक ये कहता था कि काब बिन अशरफ जो है फैसला करे। जब यहूदी ने इसरार किया कि नहीं, जब अल्लाह का नबी मौजूद है तो वही हमारे दरमियान फैसला करे, रसूलुल्लाह की बारगाह में मुकदमा लाया गया, तो अल्लाह के नबी में फरीकैन की बातें सुन के उस यहूदी के हक में फैसला कर दिया। जब यहूदी के बारे में फैसला हो गया तो मुनाफिक को चैन नहीं आया। कलमा पढ़ने के बावजूद, रसूल को मानने के बावजूद, रसूल के फैसले का इनकारी हो गया और कहा मैं रसूल के फैसले को नहीं मानता। और उसने कहा कि काब बिन अशरफ के पास जाते हैं, वो फैसला करेगा। यहूदी कहने लगा कि नहीं, अगर तुम्हें रसूल का फैसला कबूल नहीं है तो फिर आओ, और रसूल के मिजाज शनास, रसूल के खलीफा हजरत उमर फारूक की बारगाह में जाते हैं। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की बारगाह में आए, दोनों ने अपनी अपनी बात बताई, तो यहूदी ने यह भी बता दिया कि ऐ उमर, तुम्हारे जहन में रहे कि इस मामले में पहले हमारा फैसला अल्लाह के नबी भी कर चुके हैं और ये नबी के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अच्छा वहां से हो आए, फैसला हो गया? कहा हाँ जी हो गया। हजरत उमर फारूक ने फरमाया रुक जाओ। दोनों को बिठाया, इंतजार कराया। हजरत उमर फारूक अंदर गए, तलवार लेके आए और तलवार लाने के बाद उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया और आपने ये कहा कि जो शख्स मेरे नबी मोहम्मद का फैसला तस्लीम नहीं करता, उसके लिए उमर का ये फैसला है जो मैंने कर दिया। अब जब हजरत उमर फारूक ने सर कलम कर दिया तो उस मुनाफिक के खानदान वाले चीखते चिल्लाते हुजूर की बारगाह में आए, आके अर्ज करते हैं तुम्हारे उमर ने हमारा बंदा कत्ल कर दिया। ना इन्होंने दलील मांगी, ना सबूत मांगे, ना इन्होंने बात का सर देखा, ना पैर देखा, सर कलम कर दिया और कहा जो नबी का फैसला ना माने उसके लिए उमर का ये फैसला है। अभी हजूर सल्लम ने उस मकतूल बंदे के लवाहकीन की बात को पूरा सुना नहीं, पूरा जवाब हजूर सल्लम ने नहीं दिया। अल्लाह ताला ने जबरील को भेजा और फरमाया जाओ मेरे नबी से कह के आओ कि दे तो तुम्हारा उमर है ना उमर, इसका लकब है फारूक, ये हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है, ये सच और झूठ के दरमियान फर्क करने वाला है। हजरत उमर फारूक ने जो कर दिया, इससे हक वाजे हो गया और बातिल वाजे हो गया, मैं रब हजरत उमर के फैसले की ताईद और तस्दीक करता हूँ। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया और तब ये आयत मुबारक नाजिल हुई कि जो मुनाफिक रसूल के फैसले को रद्द करे, इसलिए कि बंदे मोमिन का ईमान इस बात का तकाजा करता है कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद दरे रसूल की अजमत, अहमियत, मकाम और मर्तबा वो बंदे मोमिन नहीं समझता तो फिर उसका ईमान कामिल नहीं है। बल्कि शरीयत की, कुरान की, हदीस की तालीमात ये है कि हमारा ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं कहला सकता जब तक अपने ईमान का सबूत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न साबित किया जाए। बल्कि हमारा तो अकीदा तौहीद भी
उस वक्त तक अकीदे तौहीद नहीं बनता जब तक ये ना कहा जाए कि हम मोहम्मद के कहने पे अल्लाह को एक मानते हैं। ठीक है, इसलिए कि हमें तो वो हदीस जो है वो बड़ी वाज़े दलील है कि जब हजूर सल्लम ने हजरत अम्मा आयशा से पूछा है, आयशा आपको मेरे से ज्यादा प्यार है या मेरे खुदा से ज्यादा प्यार है, हजरत अम्मा आयशा क्या जवाब देती है, फरमाती है या रसूलल्लाह सच पूछती है तो मुझे आपसे ज्यादा प्यार है। पूछा क्यों, आप अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह इसलिए अगर आप ना होते तो हमें तो खुदा के खुदा होने का भी इल्म नहीं था, आप आए हैं तो हमें खुदा के खुदा होने का पता चला है, आपकी वजह से हमें काबे के काबा होने का पता चला है, आपकी वजह से कुरान के कुरान होने का पता चला है, आपकी वजह से हमें दीन का तौहीद का रिसालत का पता चला है, इसलिए अगर आप ना होते तो हम तो गुमराही में होते, आपकी वजह से अल्लाह ने हमारे लिए हिदायत के दरवाजे खोले। ठीक है, इसलिए आला हजरत फरमाते हैं ना कि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मफर, जो यहां नहीं वो वहां नहीं, जो यहां से हो वो वहां का हो। ठीक है, जो रसूल के दर का हो जाए फिर वो जो है ऑटोमेटिक अल्लाह के दरबार में भी जो है काबिले कबूल होता है। और अल्लाह ताला ने फिर अगली आयत में वाज़े तौर पर ये बात फरमा दी कि इज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल, ऐ महबूब जब इनसे कहा जाता है आओ उस बात की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है, व इला रसूल और उस बात की तरफ आओ जो रसूल की तरफ से आई है, रायतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सदूदा, ऐ हबीबा मुनाफिकों को देखेंगे वो अल्लाह की तरफ तो दौड़े दौड़े जाएंगे, यसुद्दूना अनका सदूदा लेकिन आपकी तरफ आने से मुंह मोड़ेंगे, आपकी तरफ आने से वो अपने चेहरों पे बारह बजाएंगे, आपकी तरफ आने से जो है हिचकिचाएंगे, आपकी तरफ आने पे सोचेंगे गौर करेंगे और फिर जाके कोई फैसला करेंगे। तो इसलिए इन आयात मुबारक से हमें यह पता चला कि बंदा मोमिन का ईमान तब ही ईमान कहलाता है कि जब ईमान के बाद वो अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल के फैसले को भी मिनो अन तस्लीम करने वाला हो। हमारा ईमान ईमान कामिल तब कहलाता है कि जब तौहीद के साथ रिसालत की अजमत को भी जो है वो दिल और जान से कबूल किया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपनी ज़िंदगी के मामलात में, अकीदे अमल के मामलात में जो है उनको फैसल सालिस और जज माना जाए, फिर ये फैसला काबिले कबूल होगा। वरना ऐसा शख्स कि जो ज़ुबान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़े और जब नबी की बात आए तो वहमों में शकूक व शुबात में और तरह तरह की बहसों में अपने आप को उलझाए रखे, तो उसके लिए ये दो आयात मुबारक दलील के तौर पर काफ़ी हैं। ईमान उसी का जो है काबिल तस्लीम होगा जो जितनी मोहब्बत से रब की तरफ जाने की बात करता है, जितनी चाहत के साथ रब की तरफ जाने का इरादा रखता है, उसी तरह वो रसूल की तरफ भी आने का इरादा करेगा, उसी मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को तस्लीम करेगा, तो फिर उसका ईमान ईमान कामिल कहलाएगा। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक अकीदत तौहीद के साथ साथ अकीदत रिसालत के साथ उस तरह जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की मंशा है, ताकि हम अकीदे के एतबार से भी जो है अपने आप को सही मोमिन बना सके, कहला सके और आखिरत में दुनिया में इसकी बरकतें हासिल कर सके। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला बहसियत मोमिन बहसियत मुसलमान हमें इन अकायद के साथ के जिनका ताल्लुक बंदे मोमिन के अकीदे के साथ है उनको दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من الاسلام دائما تقبل دعاءنا منك اللهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصل لنا شؤوننا كلها أمورنا اللهم ربنا تقبل منا هذه الصلاة الأسري ودرس القرآن مع جميع الحاضرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله